हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि डे 26 पे अपनी वेट लॉस जर्नी में मैंने क्या क्या लिया था। डे 26 पे भी सबसे पहले मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ली थी अराउंड 6:50, जिसमें मैंने चिया सीड वाटर लिया था, जिसकी रेसिपी मैंने अपने डे 1 वाले वीडियो में शेयर की हुई है। इसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट मील ली थी अराउंड 7:50 और उस दिन मैंने अपनी फर्स्ट मील में 5 सोक्ड आलमंड के साथ थोड़ा सा मस्कमेलन खाया था। फिर उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए बहुत दिनों बाद हंकर्ड सैंडविच बनाया था। वैसे मैंने हंकर्ड सैंडविच की रेसिपी पहले शेयर की हुई है, लेकिन एक क्विक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक सैंडविच बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेट 2 बड़े चम्मच हंकर्ड ली है और मैंने अपने कैरेट को ग्रेट कर लिया है। कैप्सिकम एंड क्यूकम्बर को मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। इसमें मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरी वेजिटेबल थोड़ा ज़्यादा हो गई थी। अगर आप एक जने के लिए बना रहे हैं तो वेजिटेबल का अमाउंट थोड़ा सा कम रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें कोई और अपनी फेवरेट वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। अब आप इसको सिंपली एक तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और फिर दूसरी साइड बटर या फिर देसी घी लगाकर इसको अच्छे से ग्रिल कर लेंगे। ये देखिए, मेरा सैंडविच रेडी हो गया। ये कितनी क्विक रेसिपी है और आप देख सकते हैं इसमें फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने उस सैंडविच के 2 ट्रायंगल खाए थे। फिर अपने ब्रेकफास्ट के 30 मिनट्स के बाद मैंने एक कप चाय ली थी 1/2 टीस्पून शुगर ऐड करके। फिर मैंने डायरेक्ट अपना लंच लिया था 150 के अराउंड और उस दिन मैंने अपने लंच में फ्राइड राइस और थोड़ी सी दही खाई थी। फिर मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था, जिसमें मैंने कोकोनट वाटर लिया था, क्योंकि उस दिन मैंने अपना इवनिंग स्नैक 3:00 के अराउंड लिया था, जिसमें मैंने सिर्फ कोकोनट वाटर लिया था। तो उस दिन मैंने अपना डिनर काफ़ी टाइम से कर लिया था 7:30 के अराउंड और उस दिन मैंने अपने डिनर में एक प्रॉपर चीट मील ली थी, जो कि थी मेरी फेवरेट पिज़्ज़ा। अगर आप लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि पहले मैं पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा खाती थी, अप्रॉक्सीमेट 1 वीक में 1 टाइम, और अगर ज़्यादा हो जाता था तो 15 डेज में 1 टाइम। लेकिन इस बार मैंने अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 वीक के बाद पिज़्ज़ा खाया था, बट आई डिसअपॉइंट। और उसका रीज़न ये था कि उस दिन मेरा पिज़्ज़ा बिल्कुल सही से बेक होकर नहीं आया था। इवन मैंने उसको घर में माइक्रोवेव में जब बेक करने की ट्राई की तो वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गया था। मैंने उस दिन गार्लिक ब्रेड खाई थी और उसके साथ 2 मीडियम साइज़ के चिकन मोमो पिज़्ज़ा के खाए थे, लेकिन क्योंकि वो पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गया था दोबारा बेक करने की वजह से और उसकी साइड्स बहुत ही ज़्यादा रॉ लग रही थी, तो मैंने वो साइड्स बिल्कुल नहीं खाई थी। और अपने मूड को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए उस दिन मैंने 3 to 4 sips ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स भी पी थी। फिर सोने से 30 to 40 मिनट्स पहले मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक ली थी और उस दिन मैंने उसमें जिंजर मिंट टी ली थी, जिसकी रेसिपी मैंने अपने डे 25 वाले वीडियो में शेयर की हुई है। डे 26 पे मेरा वाटर इंटेक था 2.5 लीटर और जो मैंने स्टेप्स कंप्लीट किए थे वो थे 1771 और कैलोरी बर्न थी 54। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।